तो चलिए आज हम जानेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के एक एक पार्टों को किस प्रकार से चेक किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं ना उनको हम चेक करना बताएंगे और ये भी साथ में बताएंगे खराब होगा तो कैसे हम पता करेंगे। हमारा इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है और इसके अंदर आप देखेंगे पहला पार्ट आपका क्या लगा हुआ है, मोटर है, वॉश मोटर है, और आपका देख रहे हैं क्या पर हमारा कौन सा है, ड्रेन मोटर है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं क्या होता है, प्रेशर स्विच है, और यहाँ पर आपका क्या है, वाटर इनलेट मोटर है, ठीक है। तो इन सारे पार्टों को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे पार्ट खराब है कि पीसीबी खराब है। यदि आपके पार्ट ये सारे क्या होंगे, सही होंगे, तो खराब क्या होगी, पीसीबी होगी। क्लियर हो गया, तो हम सीधे पीसीबी को जाकर के बना लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पार्ट ही खराब होंगे तो पीसीबी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, मोटर को, पहले मेन यही होता है ना, वॉश मोटर को हम चेक करते हैं। तो वॉश मोटर में यहां पर अगर तार की अगर बात किया जाए तो आप देख रहे हैं कि कौन कलर से तार है, ब्लू और येल्लो और क्या है, रेड, ठीक है। यहां पर भी क्या देख रहा है, ब्लू येल्लो रेड, तो इसका चेकिंग आपको पता है तीनों पिनों पे मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीमीटर होगा, मीटर। अब यहां से हम तीनों पिनों पे सप्लाई बराबर चेक करेंगे, पकड़िए इसको। तो अगर ये मोटर आपका वॉश मोटर बिल्कुल सही होगा तो तीनों पिनों पे मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देखिए मल्टीमीटर के एक तार को हम यहां पर रखेंगे और दूसरे को यहां पर रखेंगे, कितना आया, 15 आया। हम इस पे चेक करते हैं, 15 आया। फिर हम इस पे चेक करते हैं, ठीक है ना, तीनों पिनों पे यानी तीनों तारों पे मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये मोटर सही है। यदि इसमें से किसी पिन का मान ही नहीं आता, किसी पिन का मान ही नहीं आता, या तो किसी का मतलब रेजिस्टेंस बहुत अप डाउन होता, तो इसका मतलब मोटर क्या है, क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है कि आपका ये ड्रेन मोटर सही है कि नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रकार से इसको पकड़ लेंगे, इसमें तीन तार मिलेंगे, कितने तार, तीन तार। तो ये जो बीच वाला तार होता है ब्लैक वाला कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन, और इधर अलग अलग इनके सप्लाई पहुंचती है, ठीक है। तो जब ब्लैक वाले पे हम मल्टीमीटर के एक तार को फिक्स रखेंगे, साइड साइड में जब चेक करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस आना चाहिए। यदि कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है तो बिल्कुल हमारा मोटर सही है, यदि किसी तार पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था इस मोटर को कहां माना जाएगा, खराब माना जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए इसको पकड़िए। मल्टीमीटर के एक तार को कहां रखेंगे, बीच वाले पे, देखिए बीच पे रखेंगे, साइड वाले पे रखेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, आ रहा है ना, तो मानिए एक तार बिल्कुल सही है। अब हम इसको कहां रखेंगे, दूसरे तार पे, आ रहा है, कितना आ रहा है, 43। इधर से कितना आ रहा था, देख रहे हैं ना, यानी दोनों तरफ से रेजिस्टेंस बराबर आना चाहिए, यानी बीच वाले जब रखेंगे तो इधर भी रेजिस्टेंस बराबर और इधर भी रेजिस्टेंस बराबर, यदि ऐसा आ रहा है तो हमारा मोटर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। जब हम साइड साइड पे रखेंगे तो इसके अंदर देखेंगे तो कुछ बीप की आवाज आनी चाहिए, यानी इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों तार क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जब आप ही देखिए कि जब यहां से रखने पे रेजिस्टेंस दोनों पे बराबर आ रहा है ना, यदि रेजिस्टेंस दोनों पे बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये तार क्या है, एक ही है, ये दोनों तार क्या है, एक ही है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है कि पीसीबी द्वारा चेंज होता है कि कब इसको सप्लाई देना है, कब इसको सप्लाई देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आएंगे तो मोटर को आप क्या मानेंगे, सही मानेंगे। इसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे दूसरा तीसरा इसका जो इलेक्ट्रिक भाग होता है, मेन भाग होता है किसका, प्रेशर स्विच होती है, यहां से देख रहे हैं ना जो ड्रम से अटैच होता है। अब इसके अंदर इसके तीन टर्मिनल हैं, कितने टर्मिनल, तीन टर्मिनल है, ठीक है ना। तो प्रेशर स्विच को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के एक प्रोब को कहां रखेंगे, बीच में, प्रेशर स्विच के तीन पीने होंगे ना, एक दो तीन पीने होंगे, एक तार को बीच वाले पे फिर साइड वाले पे रखेंगे, कुछ नंबर नहीं आना चाहिए, फिर इधर साइड वाले पे रखेंगे तो कोई नंबर नहीं आना चाहिए, फिर इसके बाद जब हम साइड साइड पे रखेंगे तो कुछ नंबर आना चाहिए। देखिए कुछ रेजिस्टेंस बन रहा है, इसका मतलब हमारी प्रेशर स्विच बिल्कुल क्या है, सही है। यानी जब बीच वाले क्लेम मीटर के एक प्रोब को हम बीच में रखेंगे और साइड साइड में चेक करेंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, और जब हम साइड साइड में चेक करेंगे दोनों प्रोबों को रख करके तो रेजिस्टेंस आना चाहिए, इसका मतलब प्रेशर स्विच क्या है, सही है, ठीक है ना। तो आपने तीन पार्ट चेक कर लिया, इसके बाद अगला चेकिंग किसका होगा, वाटर इनलेट मोटर का, ठीक है ना, वाटर इनलेट मोटर का। अब इसके मल्टीमीटर के एक तार को हम एक पिन पर रखेंगे, दूसरे को दूसरे पे, तो कुछ यहां पर रेजिस्टेंस बनना चाहिए,
आ रहा है, आ रहा है ना, इसका मतलब मोटर हमारी क्या है, सही है। यदि रेजिस्टेंस नहीं आते तो मोटर को क्या माना जाता है, खराब माना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन के सारे पार्टों को आप चेक कर लेंगे। यदि हमारे ये सारे पार्ट सही हैं, यदि हमारे सारे पार्ट सही हैं, तो खराब क्या होगी, पीसीबी होगी। क्लियर हो गया, पीसीबी क्या होगी, खराब होगी। यदि इसमें से कोई पार्ट नहीं चल रहा था, उसको पीसीबी बदलने से पहले हम इस पार्ट को चेक करेंगे, तो यदि यहाँ पर पार्ट ही खराब होगा तो पीसीबी क्या होगा, सही होगी, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से आप वॉशिंग मशीन के सारे पार्टों को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी पीसीबी खराब है कि पार्ट खराब है। देखिए बहुत सारे लोग पीसीबी को चेक नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन पीसीबी नहीं चेक कर पाएंगे तो आप पार्ट चेक कर पाना आना चाहिए ना, पार्टों को चेक करना आना चाहिए। तो क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पार्ट सही हैं तो पीसीबी क्या है, क्लियर है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हमने बता दिया है कि किस प्रकार से फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इलेक्ट्रिक पार्टों को चेक किया जाता है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।